दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों अगर आप अपने WhatsApp पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी अपना WhatsApp पर नया इंस्टॉल कर रहे हैं लेकिन दोस्तों आपका यहाँ WhatsApp पर जो है टाइम चलता रह रहा है लेकिन OTP नहीं आ रहा है। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसा कि मेरे मोबाइल में यहाँ पे इस तरीके से देख रहते हैं कि सेकेंड चलता रह रहा है लेकिन दोस्तों आपके मोबाइल पर जो OTP नहीं आ रहा है, पर आपको OTP का प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट तरीका बताऊँगा दोस्तों कि कैसे आप अपने इस OTP वाले प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। उसका पूरा कंप्लीट तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सही करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों देख सकते हैं अभी भी हमारा तो अभी तक मेरा OTP नहीं आया हुआ है। तो अब क्या करना है, चलिए दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं, हम आपको बताते हैं इसका क्या समाधान करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पे आप जब रिट्राई कर लेंगे, यहाँ पे सेंड रिसेंट अकाउंट पे भी क्लिक कर देंगे तब भी आपको जो OTP नहीं आ रहा है तो यहाँ से पहले आप होम पे आ जाएंगे। होम पे आने के बाद से दोस्तों इसको कुछ व्हाट्सअप पर सेटिंग्स होते हैं जो सेटिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए दोस्तों आप होम पे आ जाएंगे और अपने व्हाट्सअप पर लॉग प्रेस क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐप इन्फो पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ से दोस्तों सबसे पहले नीचे देखेंगे तो क्लियर डाटा का ऑप्शन है, यहाँ पे सबसे पहले आप क्लियर डाटा कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी आप जैसे केज जो फाइल होते हैं बग के रूप में आ जाते हैं तो उसको आपको डिलीट कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों आपको परमिशन पे आपको आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों जितने भी आपके परमिशन हैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं नॉट अलाउ पे हैं, तो सबसे पहले आपको जितने भी ये परमिशन हैं जैसे SMS के हैं और माइक्रोफोन के हैं, माइक्रोफोन के हो गए या फिर म्यूजिक के हो गए, कैमरा के हो गए, सारे जो परमिशन हैं आपको बारी बारी से आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। यहाँ पे कॉल लॉग्स परमिशन है, सारे परमिशन आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपना यहाँ पे अपना अलाउ कर लेंगे ताकि आपका जो जितने भी सेटिंग्स है आपके ऑन हो जाएं। अब इसके बाद से दोस्तों क्या करना है, आपको अपने व्हाट्सअप को अपडेट कर लेना है। सबसे पहले तो आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउजर पर जब लिख के सर्च करेंगे कि गूगल पर जब से लिख करके सर्च करेंगे जी भी व्हाट्सअप न्यू वर्जन, तो आपका यहाँ पर जो भी फर्स्ट लिंक आएगा आप वहाँ पर उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके की वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ से दोस्तों आपको अपना जो व्हाट्सअप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, इसका जो नया वर्जन है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व का जो यानी न्यू वर्जन में इसमें जो बग था वो फिक्स हो चुका है, आपको इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड डाउनलोड एनीवेयर वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपको डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से आपका जैसे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट होता है, उसके बाद से आप अपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब उसके बाद से दोस्तों जैसे आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद से दोस्तों अब आप अपना व्हाट्सअप फिर से ओपन करिएगा। दोस्तों देख सकते हैं हम अपना इंस्टॉल कर चुके हैं, हम अपना व्हाट्सअप ओपन कर रहे हैं। अब इसके बाद से दोस्तों जैसे आप अपना व्हाट्सअप ओपन करेंगे उसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है परमिशन मांगेगा, अलाउ कर दीजिएगा और यहाँ पर जो भी आपको परमिशन है कंटिन्यू कर दीजिएगा, एग्री एंड कंटिन्यू पे बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद से दोस्तों आपको जो भी अपना मोबाइल नंबर है व्हाट्सअप जो अपना बना रहे हैं उसका मोबाइल नंबर आपको एंटर कर लेना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद सजेस्ट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से कोड भेजा जाएगा यानी व्हाट्सएप के पास से, वहाँ से आपको जो कोड OTP जो 6 अंक का होता है वो रिसीव करने के लिए आएगा। तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे, उसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं कि वो हमारा ये कोड OTP आ चुका है, वेरीफाई भी हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपना ये कोड जो आपका जो प्रॉब्लम जो हो रहा था OTP का वो फिक्स हो जाएगा और आप अपना यहाँ पे व्हाट्सएप में प्रोफाइल वगैरह जो भी अपना नाम वगैरह जो है सब सेट कर सकेंगे। यहाँ पर इस तरीके से अपना सारा सेटिंग कर लेंगे, मैं आपको 100% ओपन करके भी आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हैं हमारा सेटअप हो रहा है, यहाँ पे हमारा इंस्टॉलिंग हो रहा है, जो व्हाट्सअप के जो सारी सेटिंग्स जो फीचर्स हैं इंस्टॉल हो रहे हैं। अब फाइनली दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा ये व्हाट्सअप जो है हमारा ओपन हो चुका है। अब तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना जो अगर OTP का जो प्रॉब्लम हो रहा है अगर आपके मोबाइल में, तो आप मेरे बताए गए स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा तो इस तरीके से आप अपना जो OTP का जो प्रॉब्लम है फिक्स कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो एक लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा।